Hi guys, today we are going to talk about Geoffrey Chaucer and we are going to understand how should we write a long answer and it is very important for your exam. We are going to discuss Geoffrey Chaucer as father of English poetry. Geoffrey Chaucer was an English poet. He was born in London in 1343 approximately and died in 1400. तो so, 1343 exact date उनके birth की हमें पता नहीं है पर 1343 माना जाता है generally books में and 1400 में उनकी death हो गई थी He is considered to be the father of English poetry. तो so, उन्हें father माना जाता है English poetry का और English literature का Father मतलब someone ज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर बर्थ तो हम अभी आगे समझेंगे कि क्यों बोला जाता है उन्हें फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री और फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर उनके जो पैटर्न थे ही वॉज ड्यूक ऑफ लैंकेस्टर और उनका नाम था जॉन ऑफ गोंट तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है नेट में भी पूछा जाता है यू पी एच ई एस सी में भी पूछा जाता है तो ये आपको याद रखना है कि उनके जो पेटर्न थे जो उनके संरक्षक थे उनका नाम था जॉन ऑफ गोंट जो कि ड्यूक ऑफ लैंकेस्टर थे Now he was very much influenced by these writers, Boccaccio, Dante, Frosart. ये तीन writers थे जिन्होंने Chaucer को बहुत ज़्यादा influence किया था And he is the first poet to be buried in Westminster Abbey, the Poets Corner. Westminster Abbey एक बहुत बड़ी सी बहुत ही बढ़िया building है and this is Poets Corner. जैसे उसमें अलग अलग sections हैं एक Poets Corner है जितने भी poets हुए उन सभी को यहीं पर ही बरी किया जाए किया जाता था दफनाया जाता था तो चौसर उन सब में पहला ऐसा पोएट था जिसको यहाँ बरी किया गया था और यह प्लेस है वेस्टमिंस्टर एबी लंदन में जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं चौसर के वो हैं ट्रांसलेशन ऑफ रोमन दिला रोज द रोमांट ऑफ द रोज इसको द रोमांस ऑफ द रोज करके भी इंग्लिश में बोला जाता है एक है द बुक ऑफ द डचेज ये एक एलिजी है जो कि जॉन ऑफ गोंट जो इनके पेट्रं थे ना उनकी वाइफ की जब डेथ हो गई थी तो उन्होंने चौसर को बोला था कि प्लीज़ राइट एन एलिजी ऑन माई वाइफ्स डेथ तो फिर उन्होंने बुक ऑफ द डचेस लिखी थी हाउस ऑफ फेम एक इम्पॉर्टेंट वर्क है पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स ये भी एक इंपॉर्टेंट वर्क है ट्रॉयलस एन क्रसीडा इसको तो अ नॉवल इन वर्स भी कहा जाता है कि ये अर्लीस्ट एक तरह से फॉर्म है नॉवल का ठीक है नॉवल वैसे जनरली नाइनटीन सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था पर अगर अगर चौसर ने ट्रॉयलस एंड क्रसीडा को प्रोज में लिखा होता तो रिचर्डसन की पामेला नहीं जब बल्कि टॉयल्स एंड क्रेसीडा को हम फर्स्ट नावल इंग्लिश में मानते हैं पर यह वर्स में थी वर्ड्स मतलब पोएम वाले फॉर्म में थी पर इसकी स्टोरी इस तरह से डिवेलप होती है कि इसको हम फर्स्ट नॉवल इन वर्स भी कहते हैं द लेजेंड ऑफ़ गुड वेमेन एंड अदर इम्पॉर्टेंट वर्क और सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है इनका द कैंटरबरी टेल्स और कैंटरबरी टेल्स एक ऐसा वर्क है इनका एक ऐसा मैगनमोपस है कि इसने उन्हें ये सभी टाइटल फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ये सब अर्न किए नाउ देर आर सम समर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं जैसे जोफ्री चौसर एज अ पोइट चौसर एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री चौसर कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंग्लिश पोइट्री की इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था क्यों उनको फादर बोला जाता है इंग्लिश पोइट्री का या जोफ्री चौसर को एज अ पोएट डिस्क्राइब करिए चौसर एज अ मॉडर्न पोएट चौसर एज अ रियलिस्ट इन सभी में आपने यही आंसर लिखना है जो आगे मैं एक्सप्लेन करूँगी ठीक है तो इस तरह के क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से पूछा जा सकता है कहीं भी जोफरी चौसर एज अ पोएट की तरह अगर एक्सप्लेन करने को आए तो आपको यही आंसर लिखना है फर्स्ट हेडिंग इज फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री बेसिकली फादर मैंने बोला कि ऐसे व्यक्ति को बोला जाएगा जो किसी चीज को एक तरह से डिवेलप करे या किसी चीज के बर्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो Chaucer is responsible फॉर द डिवेलपमेंट ऑफ इंग्लिश एज अ लैंग्वेज ऐसा भी बोला जाता है दैट ही फाउंड इंग्लिश अ डायलैक्ट एंड लेफ्ट डिटर लैंग्वेज कि उन्हें वो एक डायलेक्ट की तरह मिली थी डायलेक्ट क्या होती है एक तरह से बोली ठीक है जो कि रिटर्न में नहीं होती बोली होती है तो वो एक बोली की तरह उनको मिली और उन्होंने उसे एक लैंग्वेज बना के छोड़ा ही रोट हिज मैगनम ओपस कैंटेबरी टेल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज लैटिन लैंग्वेज वॉज यूज इन चर्च एंड ऑल्सो रिलीजियस वर्कस फ्रेंच लैंग्वेज कोर्ट में यूज़ होती थी और इंग्लिश यूज होती थी कॉमनर्स के द्वारा और इंग्लिश की भी अलग अलग डायलैक्ट्स यूज़ होती थी उनमें से ईस्ट मिडलैंड डायलैक्ट को चौसर ने यूज किया था अपने वर्कस में स्पेशली कैंटबरी टेल्स में जो उनका एक बहुत ही लेंदी और बहुत बड़ा वर्क है इसी वजह से फिर इंग्लिश लैंग्वेज का जो हम मॉडर्न फॉर्म देखते हैं वो यहीं से ही डिराइव हुआ है ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार ऑफ रैनिसम्स रैनिसन यानी कि पुनर्जागरण जो कि फोर्टीन फिफ्टी थ्री में एक तरह से हुआ तो फिफ्टीन सेंचुरी में जो स्टार्ट हुआ था उसका एक मॉर्निंग स्टार उनको बोला जाता है कि जितने भी अर्ली सिम्टम्स थे या अर्ली जितने भी साइंस uh, थे वो सभी हमें चौसर के वर्कस में देखने को मिलता है ही वॉज अ रेयर टैलेंट एंड ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड अ पोएट ऑफ कोर्ट ये चीज़ मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में समझाई है मिडिल इंग्लिश में मिडिल इंग्लिश पीरियड वाले वीडियो में कि इंग्लिश का बर्थ एज ए लैंग्वेज कैसे हुआ था देखो यहाँ पे चार डायलैक्ट्स चलती थी वेस्ट सेक्सन कैंटिश मर्सियन और नॉर्थ अम्बरियन बेसिकली वेस्ट सेक्सन जो थी वो बहुत ज़्यादा फेमस थी बहुत ज़्यादा यूज भी होती थी इट वॉज वाइडली यूज वाइडली पॉपुलर बट चौसठ चोज मर्शियन लैंग्वेज में भी ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट जो थी उसको उन्होंने चूज किया एंड ही यूज इट इन हिज वर्क्स कैंटबरी टेल्स और बाकियों में ऐसा नहीं था कि चौसर ने सीधे इंग्लिश में लिखना शुरू किया ही ऑल्सो रोट इन इटालियन इन फ्रेंच उनके अलग अलग इन फेजस को हम इटालियन फ़ेज बोला बोला जाता है और फ्रेंच फेज़ बोला जाता है जिसमें उन्हें इटालियन और फ्रेंच वर्क लिखे थे पर कैंटबरी टेल्स और जितने भी आगे मैंने जो वर्क आपको बताए थे पिछली स्लाइड में वो सारे वर्क्स उनने इंग्लिश में लिखे हैं एंड दे आर मैसिव इन लेंथ मॉडर्न इंग्लिश डराइव from east midland dialect only and it also works as the standard literary language right now so chaucer is responsible for development of english as a language second heading is earliest of moderns chaucer is called a modern poet ki chaucer modern english ki beginning english language as the language develop or the modern english derives from the language of

Chaucer talked about religion as well, but in a very different way. If you read his work, padhoge, Canterbury Tales, you will understand why Chaucer is considered so important in the history of English language. Why he is so much uh, modern in his outlook towards poetry. ही कवर्ड ह्यूमन लाइफ एक्सटेंसिवली जो कैंटरबरी टेल्स एक वर्क है ना इसके बारे में एक वीडियो में जरूर बनाऊंगी और मैंने कुछ कुछ शॉर्ट्स भी बनाए हैं कैंटरबरी टेल्स एक पिलग्रमेज के बारे में एक तीर्थयात्रा के बारे में जिसमें तीस पिलग्रम्स एक प्लेस है कैंटरबरी वहाँ के लिए विजिट करते हैं एक श्राइन के लिए वो लोग यात्रा कर रहे हैं और उन सभी तीस पिलग्रम्स का उन्होंने जोश्री चौसर ने एक एक करके पोर्ट्रेट दिया है प्रोलॉग में फिर उसके बाद वो सारे जितने ही तीर्थयात्री थे वो सबके सब दो 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 स्टोरीज या चा चार चार स्टोरीज ऐसे सुनाते हैं दो जाते समय दो आते समय इस तरह का चौसर का प्लान था भले ही ये वर्क इनकम्प्लीट रह गया बट स्टिल 24 फोर स्टोरीज आर अवेलेबल देयर तो कैंटेबरी टेल्स वर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें हमें देखने को मिलता है कि चौसर ने किस तरह से ह्यूमन लाइफ को एक्सटेंसिवली कवर किया है ही टॉक्ड अबाउट ह्यूमन लाइफ पुनर्जागरण से पहले रैनेसॉन्स से पहले और इवन चौसर के टाइम से पहले वी सी दैट humans वर कंसिडर्ड as सिनर्स और ऐसा बोला जाता था कि जीसस क्राइस्ट सेक्रीफाइज हिज लाइफ फॉर अस फॉर मैन काइंड फॉर द of ऑफ मैन काइंड तो इस तरह से ह्यूमन्स को बहुत ही पापी टाइप का समझा जाता था ह्यूमन्स वर कंसिडर्ड एज सिनर्स और ह्यूमन लाइफ को कभी भी उसके सेंटर में भी नहीं बोला जाता था बट कैंटरबरी डिटेल्स वी सी ह्यूमन लाइफ वेरी एक्सटेंसिवली एंडसो डिस्क्राइब ऑल ऑफ देम इंडिविजुअली सो वी सी दैट देय इंग्लिश लैंग्वेज ऑल्सो बिगेन इट्स जर्नी फ्रॉम चौसर इसीलिए अर्लीस्ट ऑफ मॉडर्न भी बोला जाता है ऑल्सो इट हैपन्ड एट द्रेश होल्ड ऑफ रैनेसो रैनेसो भी एक तरह से बिगनिंग पॉइंट है मॉडर्निटी का जब एकदम मॉडर्न थाट और एक तरह से एक वर्ल्ड वाइड लिटरेचर पूरी तरह से हर जगह फैल गया था एंड इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्निटी मॉडर्न टाइम्स ऑल्सो चौसर ब्रॉड राइम टू इंग्लिश लैंग्वेज एंड अ न्यू आउटलुक टू पोएट्री एज वेल इसलिए उनको मॉडर्न में भी सबसे पहला मॉडर्न पोएट माना जाता है ही वॉज अ रियलिस्ट रियलिस्ट मतलब जो वास्तविकता की बात बहुत ज्यादा करे दो अबाउट रिलिजन एंड अदर काइंड ऑफ थिंग्स अदर इमेजनरी थिंग्स बट द ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉब्लम्स द ट्रीटमेंट ऑफ द पीपल द वे ही ट्राई टू एक्सपोज ह्यूमन फॉलीज इट मेक्स हिम अ रियलिस्ट अगर आप कैंटबरी टेल्स का प्रोलॉग पढ़ोगे यू विल सी कि उसने किस तरह से हर एक इंडिविजुअल को बहुत ही रियलिस्टिक आई के साथ पेंट किया है एंड ही ट्राइड टू एक्सपोज द चर्च एज वेल दो ही वाज़ अ पोएट ऑफ कोर्ट उनको पोएट ऑफ कोर्ट कहा जाता था कि कोर्ट के पोएट हैं और कोर्ट में जो व्यक्ति काम कर रहा है वो एक तरह से कोर्ट के अगेंस्ट या चर्च के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि चर्च और कोर्ट दोनों साथ में मिल करके ही एक तरह से आम जनता पर राज करते थे ठीक है बट चौसर डिड इट इंडायरेक्टली इन हिज वर्क द वे ही प्रेजेंट्स द नन द मंक और जितने भी रिलीजियस कैरेक्टर्स वो अपने उसमें शो करता है वो दिखाता है कि किस तरह

एक गैलरी पोर्ट्रेट की जो है उसको आप उसके अंदर जा रहे हो एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि चौसर का एक स्क्वायर नाम का कैरेक्टर है जो कि नाइट का बेटा है उनने चार लाइन इसके बारे में लिखी हैं एम्ब्राउडेड वॉज ही एज इट वर मीड ऑल फुल ऑफ फ्रेश फ्लावर्स वाइट एंड रीड सिंगिंग ही वॉज और फ्लाइटिंग ऑल द डे ही वॉज एज फ्रेश एज द मंथ ऑफ मे इसमें उसने बोला है कि जो स्क्वायर है ही वॉज एम्ब्रॉयडेड एम्ब्रॉयडेड जैसे एम्ब्रॉयडरी होती है ना कपड़ों में उसके जो कपड़े थे वो बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी जैसे थे एज इट वर अ मीड मीड मतलब मेडो मेडो जैसे घास का मैदान होता है ऑल फुल ऑफ फ्रेश फ्लावर्स यहाँ देखोगे स्पेलिंग थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि वो एक ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट हो उसी समय चेंज कर रहे थे ना इंग्लिश लैंग्वेज में इस वजह से सो ही वाइट एंड रेड सो ही सेज़ कि उसकी जो ड्रेस थी वो कैसी थी वाइट और रेड उसमें फ़्लावर्स बने हुए थे फ्रेश फ्लावर्स और वो बहुत ही एम्ब्रॉयडरी वाली उसकी ड्रेस थी सिंगिंग ही वॉज हर समय वो सिंगिंग कर रहा था और फ्लोइटिंग या फिर वो फ्लूट बजा रहा था ऑल द डे ही वॉज एज फ्रेश एज द मंथ ऑफ मे इसके आगे वो और ज़्यादा डिस्क्राइब करता है उस क्योंकि ही हैड कर ली हैर और उसकी जो स्लीवस थी वो बहुत वाइड थी और उसकी ड्रेस बहुत लूज थी एंड ही सैट ऑन अ हॉर्स तो इस तरह से उसने अपने कैरेक्टर्स को पेंट किया था कि हमें ऐसा लगेगा कि जैसे हम हमारी इमेजिनेशन इतनी अच्छी तरह से काम करेगी कि हमें लगेगा कि यू हैव सीन दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर जैसे वो वाइफ ऑफ बाथ जो एक कैरेक्टर है उसको बोलता है गेप टूथ उसके दांतों के बीच में एक गैप है इतनी छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स दे करके उसने क्या किया एक तरह से एक बहुत ही बढ़िया पिक्चर गैलरी क्रिएट की है कैंटरबरी टेल्स के प्रोलॉग में नेक्स्ट हेडिंग इज अ ह्यूमरिस्ट ह्यूमरिस्ट मतलब कि अ पर्सन हु क्रिएट्स लाफ्टर लाफ्टर भी नहीं बहुत हंसाना वाला नहीं होता है इट मीन्स टू क्रिएट अ लाइटर मूड नॉट टॉकिंग अबाउट वेरी सीरियस थिंग्स सो चौसर्स ऑब्जर्वेशन इज वेरी अम्यूजिंग द वे ही डिस्क्राइब्स हैरी बेली जो कि कैंटरबरी टेल्स में होस्ट है उसको एक तरह से प्रेजेंट करता है वो भी बड़ा अम्यूजिंग है ही लाव्स एट एज वेल एज सटायराइज एज ह्यूमन फॉलीज वो एक तरह से हंसता भी है जो ह्यूमन फॉलीज हैं जो ह्यूम्स के अंदर बुरी चीज़ें हैं एक तरह से उनको क्रिटिसाइज भी करता है ही रेडिक्यूल्स ऑल्सो वो कई सारी चीजों की मजाक ही बनाता है सो टू गिव अट हार्टेड ट्रीटमेंट टू थिंग्स वॉज अ पिक्यूलियर क्वालिटी दैट वी फाइंड इन चौसा नाउ अ ह्यूमनिस्ट ही वॉज ह्यूमरिस्ट अलग है और अयूमनिस्ट अलग है ह्यूमन्स समन हु टॉक्स अबाउट ह्यूमन्स एंड समुट्स ह्यूमन्स एट द सेंटर So, Chaucer talked about the follies of humans in a very different way. He put humans at the center in Canterbury Tales, though the theme was religious. ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार ऑफ द रेनसॉप वो मैंने आपको बता दिया एंड ही हैड अ ग्रेट इंसाइट इन टू ह्यूमन कैरेक्टर एंड आप बोलोगे कि मैम बार बार कैंटरबल डिटेल्स का रेफरेंस दे रही हैं बट इट इज़ अ व व वेरी इम्पॉर्टेंट वर्क यू मस्ट रीड इट यू मस्ट एटलीस्ट है समरी इन माइंड ओके तो ये जो ये ये एक ना एक वर्क किसी राइटर का पढ़ना आपको जरूरी है अगर आप किसी राइटर को एज अ पोएट डिस्क्राइब करना चाह रहे हो क्योंकि रटने से कुछ नहीं होगा यू नीड टू सी कि कैंटेबरी टेल्स में क्या है जब तक आप किसी का वर्क नहीं पड़ोगे आपको समझ में नहीं आएगा कि ये राइटर को हम रियलिस्ट क्यों बोल रहे हैं ह्यूमनिस्ट क्यों बोल रहे हैं बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया कि ह्यूमन्स आर कंसिडर्ड एज सीनर्स और उससे पहले जितनी भी थीम्स होती थी वह तो रिलीजियस होती थी या फिर नाइट्स की ब्रेवरी के ऊपर होती थी उसमें युद्ध में चले जाते थे नो बडी टॉक्ड अबाउट ह्यूम इन दैट वे चौसर हैजॉक्ड अबाउट नाउ सम इम्पॉर्टेंट कोट्स अबाउट चौसर ये सब आपने बीच बीच में इन्फ्यूज़ करने हैं अपने क्वेश्चन के पहला है लोव के द्वारा इनने कहा था ही फाउंड इंग्लिश अ डायलेक्ट एंड लेफ्ट इट अ लैंग्वेज कि उन्होंने इंग्लिश को एक डायलेक्ट की तरह पाया और उसको लैंग्वेज की तरह छोड़ दिया सेकेंड इज ट्रॉयिस्ट एंड क्रेसिडा इज कॉल्ड अ नॉवल इनवर्स बाई एस डी नील तो वो एक तरह से जो मॉडर्निटी है ना उनके अंदर मॉडर्न वाले हेडिंग में आप ये डाल सकते हो कि एक तरह से जो नॉवल फॉर्म है नॉवल्स आप पढ़ते हो ना जैसे चेतन भगत के नॉवल्स और ये सब ये सब नाइनटीन सेंचुरी में जा कर के स्टार्ट हुए थे पर चौसर ने जो फिफ्टीन सेंचुरी में लिखा था सेंचुरी में लिखा था इट इज कंसिडर्ड नॉवल इन वर्स और एस डी नील ने बोला था कि अगर चौसर ने इसे प्रोज में लिखा होता तो इसी को इंग्लिश का पहला नॉवल माना जाता एंड मैथ्यू आर्नर्ड हु इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रिटिक ही सेट चौसर इज द फादर ऑफ अवर स्प्लैंडेड इंग्लिश पोएट्री तो ये सारे इंपॉर्टेंट कोर्ट्स आपको बीच बीच में इन्फ्यूज करने हैं या फिर अपना आप क्वेश्चन इससे स्टार्ट भी कर सकते हो और इसमें बहुत ज्यादा मुश्किल कोई भी नहीं है देखो फर्स्ट वाला भी इजी है बीच वाला मेंशन नहीं भी करोगे चलेगा एंड जो थर्ड वाला है इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि द फादर ऑफ अवर स्प्लेंडेड इंग्लिश पोइट्री एक ही वर्ड ऐड करना है स्प्लेंडेड तो ये आपको याद रहना चाहिए ओके सो थैंक यू सो मच प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल